पानी। दोस्तों आज के ब्लॉग को मैंने कर दिया स्टार्ट और अभी जो है मैं रेडी हो चुका हूँ और क्या बोलते हैं अलीना भी रेडी है और हम लोग जो है निकलने के लिए तैयार। और मेरे जो हस्बैंड है ना इनने आज भी मुझे ना हिजाब बनाते हुए ब्लॉग शूट करने जल्दी तो कल कर लेना ना, मसला नहीं है क्योंकि अभी निकलना है, लेट हो रहे हैं क्योंकि अंधेरा हो गया ना, फिर हम वहाँ पे जाके वीडियोस नहीं बना पाएंगे। तो चले मिलते हैं आप लोग से पीएफ म्यूजियम में आज। ऐसा फाइनली दोस्तों हम लोग हैं अभी पीएफ म्यूजियम पहुंच चुके हैं। कोई बात नहीं, छोड़ दें, बाद में देखेंगे। उस तरफ जो है विंटरलैंड का रास्ता उधर जा रहा है और यहाँ से जो है आपको पूरा पार पार्किंग का एरिया ही है। और अभी जो है हम लोग जाएंगे अंदर पीएफ म्यूजियम की तरफ। तो चले आएँ, देखते हैं क्या टिकट वगैरह कहाँ से सीन है सारों का, वहाँ चलते हैं। तो ये जो है कुछ इस तरह का व्यू है। तुम बहुत अच्छे आ रहे हो। और कुछ मैं जब आया था जब स्कूल सारे जहाज ही जहाज पाकिस्तान के थे। दोस्तों मिसाइल है ना, ये पाकिस्तान ने इंडिया पे मारा था, फिर यहाँ लगे रख दी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कोई बात नहीं, तो उस टाइम वो लोग पैदा थोड़ी हुए थे। ये मिसाइल खास तौर पे मैंने ये जो है सारे अबे यार यहाँ कहीं तो अंधेरे होने से पहले पहले कुछ वीडियोस मैंने कंप्लीट कर ली। और अभी पता नहीं लोग दुआएं छोड़ रहे हैं, क्या पता जहाज उड़ेंगे यहाँ पर। और हम लोग जो है अभी ये वो झूलों की तरफ जाएंगे क्योंकि झूले स्टार्ट हो चुके हैं। अलीना अभी भी अपनी वीडियो देख रही है, मुल्ला भी ये खड़ा है और मानो और तला लोग भी शायद आ रहे पीछे, उनको लेने जाना पड़ेगा। तो देखते हैं अभी आगे क्या सिचुएशन है। झूलों में बड़ा मज़ा आएगा, वहाँ चलेंगे क्योंकि व्लॉग हम लोग ने ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करा क्योंकि वीडियो नहीं बैठूंगी। जगह है यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी बनी हुई है। ये जो है टैंकर, ये मलेशिया से आया है और ये सारी जो है पाकिस्तान की आर्मी की चीज़ें। मेरे को बचपन पे जब स्कूल वाले लाए थे ना, बोला वालों को मारा था, वो सारे टैंकर जो है इंडिया से जंग में आए थे, बहुत पागल बनाया था स्कूल वालों ने। अभी जो है चलेंगे झूलों की तरफ क्योंकि पाकिस्तान की पीएफ म्यूजियम नाम इसलिए रखा हुआ है कि सारे चारों तरफ जहाज ही जहाज हो, वो आगे तक जहाज ही जहाज खड़े हुए। कैसा लग रहा है पीएफ म्यूजियम? इधर वो अभी प्लेन 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 उड़ रहा है, अभी प्लेन उड़ रहा है उसका धुआं। अफसोस इस बात का, यहाँ उड़ाने क्यों नहीं दे रहे? सच्ची नहीं, अच्छा वो कर रहे हैं। नहीं नहीं वो अभी मिसाइल छोड़ा है, कुछ वजह से वो धुआं निकल रहा है। मुझे आपने यहाँ पे कहीं पागल लिखा हुआ पड़ा है। हाँ तो चलें अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। दोस्तों अभी मगरिब के अज़ानों की वजह से हम लोग रुक गए थे और ऐसा सीन है कि मेरी बीवी बोली भूख लग रही है, लेकिन अभी जो है पीएफ म्यूजियम का लंगर नहीं खुला। बताओ ये बैठी है लंगर के इंतजाम के लिए, तो देखते हैं कितनी देर में खुलता है। सुनने में तो है यहाँ पे बड़ा वीआईपी लंगर मिलता है, तो थोड़ा इंतजार करें। लाइन लंबी होगी लेकिन यार। हाँ तला को आगे भेज देगी, तला तो यही लंगर खाओ। उसका दाता दरबार वाला सीन यार, गजब बेइज्जती है। ये लोग भी पहुंच चुके हैं इधर। हाँ वीडियोस कंप्लीट हो गई, जान छोटी ये टोजिंग कार का टिकट ले लिया हमने आपसे, सबसे महंगा टिकट टोजिंग कार का 150 रुपये। अभी सारे इधर खड़े, अभी जा रहे हैं टोजिंग कार में बैठने के लिए हम लोग। चले आ जाए बाहर आ गए। बस यहाँ पे बैठने देखते हैं ये अभी जाने का प्रोग्राम। दोस्तों अभी जो है हम इस पे बैठ चुके हैं। मानो जो है टिकट जमा कर रहा है सारों से, भाई ये मानो टिकट वाले को टिकट दे दो। और हम लोग जो है यहाँ बैठे हुए हैं और मेरे को ज़बरदस्ती बिठाया गया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर वालों को जवाब देने का जिम्मेदारी तला की है। ये देखो बाहर जो बंदे खड़े हैं, अनस आवाज़ गरीबो उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। एक से एक सारे आवाज दे रहे, ये ले मानो
कितना मजा आया, एक्सपीरियंस तो बड़ा जबरदस्त है ऐसा नहीं लगेगा। दोस्तों मुझे हर सारी चीजें दो दिख रही है, हालत बहुत खराब हो चुकी है और अभी जो है चक्कर आ रहे हैं बहुत खतरनाक वाले। इस झूले ने ना क्या बोलते हैं हमारे को यहाँ पे बैठे बैठे खाली मुझे, और यहाँ पे जो अभी सारे बैठे हैं ये दोबारा, और ये सारे मेरे दोस्त जो है इधर अभी मजे से घूम रहे हैं। पता नहीं मुझे क्यों चक्कर आ रहे हैं, उल्टियाँ आने लग गई है, अब नहीं बैठूंगा किसी झूले में। ये लोग जा रहे हैं कश्ती में बैठने के लिए, और अभी जो है हम लोग यहाँ पे खाना ढूंढ रहे थे, यहाँ नहीं समझ आया तो अब जा रहे हैं उस तरफ। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ लिखा हुआ है? महंगा बहुत है। नहीं नहीं जेब कतरो जेब यार जेब कतरो। चलो वहाँ देखते हैं वहाँ क्या मिल रहा है, बिरयानी कॉफी चिकन क्या लेने लगे हैं। इधर लग चुका है फाइनली जो है, अभी वहाँ पे ऑर्डर दे दिया, वहाँ से ला रहे हैं, मानो बोतल नहीं किया। और ये जो है झूलो से इस तरफ आ गए, लेकिन वैसे ही हो रही है। मैं देख लिया, सजेस्ट करूंगा जिसको नहीं आ रही है झूले में नहीं आवे, हमने ऐसे ही बोल दिया वो खड़ी भी फैमिली है भाई, ऐसे ही बंदा आवे बोला वो खड़ी बताया झूलो और गया सीन आने वाला 150 दिए मैंने बोला यार बोल तीन डिफेंस कर लिए मैं अकेले बैठवाता हूं सब्र करो बोला भाई नेवी वालों के मैं देखती हूं वो ले भी रहा यार मेरे को उल्टियां नहीं आए वो सब जगह मतलब क्या जावे करना कोटिंग का सर हो चुका है। अभी खाने के बाद मिलते हैं आप लोगों से। ये है मुर्गी का टिक्का, मुर्गी चोर बहस हो रही है भाई आप लोग नहीं पढ़ तो है, हिलने का नहीं समझ आ रहा। पढ़ ये देखते हैं भाई, ये हिलते है ना जिससे ये आगे पीछे मूव होता है यार, ऊपर नीचे आगे पर, तो ये इतना सारा। अच्छा ये पीछे वाला तू बोल रहा, पीछे वाला कहते हैं घूम जाते भाई, अभी यूट्यूब पे सर्च कर लेंगे हम जाके वहाँ। अभी जा रहे हम सामने म्यूजियम में, बोला था अंदर बहुत बड़े बड़े जहाज हैं वहाँ जाते हैं। अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और ये कुछ तरीके का मंदिर है, अलग ही निजाम यहाँ का नजर आ रहा है और बहुत क्लास का बना हुआ है यार। उस सामने बड़े बड़े जहाज, इधर मानो है, इधर अनस के लोग सारे घूम रहे, और पीछे पाकिस्तान की सारी यादगार। ऊपर भी जाएंगे अभी, चल चलें पहले थोड़ा देर घूमते फिरते हैं क्या। हाँ यूनिफॉर्म्स हैं वो सारे, वो भी दिखाता हूँ आपको पहले, यहाँ पे ज़रा वीडियो वगैरह बनाए थोड़ा ज़रा घूमें। बड़ा क्लास का व्यू आ रहा है यहाँ पे, बाबा और ये खड़े हैं क्या ज़बरदस्त बन रहा है। बाबा से तो कोई पैसे नहीं लेता पाकिस्तान की यादगार तोपे, वही ये क्या है भाई इंजन? अच्छा ट्रेन, ट्रेन के इंजन। ये किस चीज़ के इंजन है भाई? भाई मत घुमा चल जाएगा। और वो है वो नहीं होता वो रॉकेट का है वो पीछे वाला ये वो है भाई। भाई क्या हो गया पाकिस्तान, ये जब मार गया था ना वो कौन क्या नाम है अपना यार चांद पे कौन गया, नील आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग कौन है ये लोग कहाँ सारी चीजें ये कौन सा हुआ ने अबे ये हिस्ट्री लिखी हुई है भाई, उधर उधर जाके देखो ये इसकी ये। अच्छा ये जादू फिल्म की मूवी शूटिंग यहाँ हुई थी टाणा, ये वाली ट्रिक तो मुझे भी आती है तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था ये जो सबसे सही है भिंडी में स्टार्ट करना बताओ नंबर 87 इंग्लिश
जबरदस्त अच्छा व्यू आ रहा है। पाकिस्तान के मेडल्स पिछड़े पिछड़े बोल रहे हैं पिछले पुराने जमाने की, ये तो आज की नोट थी हमसे, ये कहाँ से उठेगी? नेवी उठेगी साहब, शीशा तोड़ के चेक कर। हाँ तो या नेवी वाले हमको जो तोड़ेंगे ना, ये जो है यहाँ पर अभी जो है पाकिस्तान की सारी आर्मियाँ जो है अपना पायलट सारे इन सबकी है, कुछ पाकिस्तान की यादगारों की तस्वीरें सब जगह घूम फिरने के बाद अभी जो है हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, पीएफ म्यूज़ियम का मैंने जिस तरीके से सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है ये। तो यहाँ पे आपको पाकिस्तान की यादगार हर चीज़ नज़र आ जाती है, 1957 से 1965 तक का डिफाजर ऑफ पीएफ फर्स्ट पाकिस्तानी सीएमसी देख लो, जिस सारे हमारे हीरोज़ हैं असल हीरोज़ जो से कहते हैं वो ये हैं। चलें आप चलते हैं उधर, क्या साफ़ सुथराई क्या चीज़ें, जो चीज़ आर्मी के हाथ में होती है उस पर अलग ही बना हुआ होता है। ये स्लाइड इधर मारी क्या है जैसे लग रहा है, वो गेमिंग चीज़ें लेकिन है क्लास की बनी। ये हमारा सबसे मेन हीरो है जिसको हमारी किताबों में ही पढ़ाया गया, जो हमारे को याद है। हाँ निशान हैदर इससे मिला था, हमारा सबसे बड़ा खिताब, कम उम्र शहीद है ये बेचारा, 18 साल की उम्र में शहीद हुआ। और ये सब जो हैं एयर मार्शल, वो तो डेली बनते हैं, वो तैयार हो गई है जो है बाहर जाने की तैयारी है हमारी पूरी, सारे इधर ही निकलने की तैयारी, यहाँ से चलो बाहर चलें, निकले बाहर की तरफ। एयर एक्सेट क्या देख रहा है, लाइटिंग वाइटिंग सारी वी आई पी हुई आ जाओ तक, और हमस लोग उधर है, मैं जो है उस तरफ जा रहा हूँ, ज़रा आगे पीछे देखूँ, थोड़ी सी झूले उधर भी लगाए मैं लोन में बड़े वाले चार्ज के पास, बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ा है वहाँ, थोड़ा देखे चलो अलीना को देखता हूँ वही चीज़ है कर लेने वाने की, तो ले लेते हैं वीडियोज़ वगैरह तो काफ़ी कम्प्लीट कर ली है। और अभी चल रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, तो चलो आ जाओ हमारे साथ, वाइटल वालों से लेने लगे और 30 रुपये की सेल, जाओ देख ले तो चाय बन रही, लेकिन बेकार होगी 30 रुपये में, कुछ भी अच्छा नहीं होगा यार। चाय बनने का टाइम फौरन ही आ गया इधर चाय, लेकिन ये कि नॉर्मल अच्छी है, नहीं नहीं अच्छी है चाय अच्छी, नहीं वो मतलब उसके ऊपर है, हम लोग अनस जो में लगा हुआ और ये रहा पूरा पीएफ, मज़ा आ रहा है वैसे इधर है कि इतना टाइम को स्पेंड नहीं कर रहा था, कर लिया हमने काफ़ी टाइम और अभी भी ये है कि काफ़ी मज़ा आ रहा है। फाइनली इधर जो एलसीडी के पास वीडियो बना ली और बड़ी मेहनत से, 18 कैटेगरी का किसने करी, 18 इसने फिर जाके हमारी वीडियो बनी, 21 इतना तो स्कूल में भी किसी ने इनको उठा के बैठक नहीं कराई होगी। तो चलते हैं हम लोग गेट पे आ गए हम लोग और लास्ट में खाली ये गिफ्ट शॉप चेक करते हुए निकलते हैं, बस आखिरी जो है क्या है इधर गिफ्ट में, ईगल्स और इसके अलावा क्या चीज़। वो गिफ्ट शॉप में कुछ भी नहीं समझ आया, कुछ भी अच्छा नहीं था, कुछ भी नहीं था उसमें, अभी जो है अब जो है पीएफ को दें टाटा और चलें सीधा घर की तरफ, टाटा अल्लाह हाफिज़, चलते हैं अभी घर की तरफ। तो फाइनली दोस्तों अभी जो है हम लोग घर आ चुके हैं और अलीना को मैंने चाय बनाने का बोल दिया क्योंकि सर बहुत घूम रहा है और वो मुझे चाय बना के दे, तो थोड़ा मैं रेस्ट करूँ फिर जिम के लिए निकलूँगा, सारा दिन पीएफ में लग गया और कसम से बहुत मज़ा आया, अच्छी वीडियोज़ भी बन गई और बहुत बेहतरीन व्लॉग भी बन गया। तो मैं बोलता हूँ कि अब हफ्ते में 2-3 दिन मुझे कहीं ना कहीं जाना ही चाहिए, कराची की कोई ना कोई बेस्ट जगह आप लोग को दिखानी, क्या बोलते हैं आप लोग मुझे बताएं। अगर ऐसे ब्लॉग्स में मज़ा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जो है मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया ब्लॉगिंग के बारे के अंदर किस चीज़ पर ब्लॉग बनाऊँ मैं, तो चलें अब जो है ब्लॉग स्टार्ट करते हैं डेली ब्लॉगिंग को, और आप लोग बस सपोर्ट करते रहे मुझे और इस ब्लॉग को शेयर करना लाजमी मत भूलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और लास्ट में फिर मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ कि लिंक लगा रहा हूँ मैं, और जाकर उस लिंक पर क्लिक लाजमी कर दिएगा और उसके बाद फिर आप लोग मैजिक देख लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बस ये एक छोटा सा काम लाजमी करना, अल्लाह हाफिज़।